ये है जी यहाँ का ब्रिज, और यहाँ पे मेरा दिल बड़ा कर रहा है कि यहाँ पे रोक के तस्वीर लूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछले कुछ वीकेंड से मैं घर में बैठ के हर सैटरडे संडे एडिटिंग कर रहा होता हूँ और या फिर ब्लॉग्स वगैरह लिख रहा होता हूँ, जबकि मोस्टली मैं वीकेंड्स पे बहुत ही कम होता है कि घर बैठूँ। तो इस वीकेंड में मैंने डिसाइड किया आज संडे का दिन है, मौसम भी अच्छा है, कि बाहर जाके एक्सप्लोर करूँ। और स्पेशली यहाँ पे एक मेरा बहुत ही खूबसूरत फेवरेट विलेज है और उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत कैसल भी है, तो आज जाके उसको एक्सप्लोर करते हैं। वो यहाँ से तकरीबन 130-135 किलोमीटर के फासले पर है, तो थोड़ा सा दूर है, इतना करीब भी नहीं है, लेकिन ये कि आज टाइम है और मौसम अच्छा है। लेकिन निकलने से पहले मैं सोच रहा हूँ यहाँ से टेंकी फुल करा लूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर से ज़्यादा का हो ही जाएगा, इतना हो जाएगा आने जाने का, और 300 किलोमीटर करती है एक टैंकी में, तो यहाँ से ही फुल करा लेता हूँ, और अगर बाद में कराना हुआ तो शाम को जो है दोबारा कहीं से फुल करा लूँगा। रेस्टोरेंट्स जो है वो खुल रहे हैं यहाँ पे, ये पहले बंद था, आज मैंने इसको पहले दिन देखा है खुले हुए, शायद लास्ट वीक से खुल गया हो। और ये आ गया जी अपना पेट्रोल पंप। प्राइस क्या है जी आज यहाँ पे, 1 लीटर 1 यूरो 12 सेंट का 200 रुपया पाकिस्तानी बन जाता है। काफ़ी गर्मी हो गई है, खास तौर पे मैंने जो जैकेट पहनी है उसके अंदर एक लेयर लगी है विंड प्रूफ, उसको निकाला नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि शायद जाते हुए हवा ठंडी हो तो उसको अंदर ही डाले रखता हूँ, लेकिन खैर अभी ऑटोबान पे लग रहे हैं और उसके बाद देखते हैं कि अगर तो ऐसे ही रही गर्मी तो फिर कहीं रोक के इसको निकाल लें, नहीं तो मैंने उबल जाना है रोजे में आज, इतने ज्यादा पसीना आ रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज़्यादा खूबसूरत होना शुरू हो गया, हम छोटे छोटे पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। सो आधा डिस्टेंस कवर हो गया, ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर रह गया, काफ़ी आराम से किया है और मौसम काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई, रश भी इतना ज़्यादा नहीं है। अभी मैं आपको मज़े के बाद बताऊं कि यहाँ पे ये जो इतने सारे ट्रक्स खड़े हुए हैं ना, जर्मनी में लॉ है कि सैटरडे और संडे को कोई भी ट्रक वगैरह जिस पे खास तौर पे स्पेशली अगर जिनके पास इजाज़त ना हो या जो कोई सुपरमार्केट वगैरह का सामान लेके ना जा रहे हो, उनको ड्राइव करने की इजाज़त नहीं है, तो ये लोग मोस्टली फ्राइडे नाइट को 10 बजे के करीब यहाँ पे पार्क कर देते हैं और संडे को मेरे ख्याल में 10 बजे तक रात के पार्क रखते हैं, और फिर इनको इजाज़त होती है संडे नाइट को 10 के बाद या 12 बजे के बाद जो है ना दोबारा ऑटोबान पे जाने की, तो इसलिए ये इतने सारे जो है ना यहाँ पे बैठे रहते हैं, वीकेंड जो है ना ऐसे ही इनका गुजरता है। तो ऑटोबान से उतर आया हूँ और अब लास्ट रह गए हैं 12 किलोमीटर जो कि ऑटोबान के बगैर वाला है, और होपफुली थोड़ा सा मज़ेदार होगा। ऑटोबान जो है वो दौड़ाने के लिए तो ठीक है, लेकिन वैसे उस पर सीनरी वगैरह जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो मज़ा नहीं आता वहाँ पे चलाने का। चलो भी आप गुजर जाओ, हम आपके पीछे पीछे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मौसम थोड़ा सा अच्छा हो और वीकेंड हो तो फिर हर जगह जो है ना आपको रश मिलेगा। मोटरसाइकिल चलाने का मज़ा ही इस तरह की रोड्स पे आता है, छोटी रोड्स हो, खूबसूरत सीनरी हो और ट्रैफिक भी कम हो, बहुत तेज़ चलाने की ज़रूरत नहीं, आपको सीनरी एंजॉय करें इसलिए तो बंदा घर से निकला होता है। मुझे बेसिकली रास्ता जो है वो नहीं मिल रहा, इससे पूछते हैं कि वो किधर है, Wo ist der Rheinschleife? Wo ist der Ausstiegspunkt? Ausstiegspunkt? Ja. Hoch, dann rechts, steil hoch. Okay, danke schön. मैं उधर से गुजर के आया हूँ और मुझे नज़र ही नहीं आया। ये तो नहीं, मुझे लगता है यही है, और हमने जो है ना पहले गलत रूट ले लिया था।
बहुत ही कुछ छोटी रोड है यार, और ट्रैफिक भी अच्छी खासी अब तो हो गई है इस पे ना। लेकिन यह है कि जो सामने से आ रहे हैं वो ज़्यादा तेज़ नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। मेरा मोबाइल जो है वो भी टेढ़ा हो गया है, इसको तो सीधा कर। पानी ना पीने की वजह से, रोज़े की वजह से ना गला इतना खुश्क हुआ पड़ा है कि अब जो है ना बोलना भी मुश्किल हो रहा है। इधर खड़ी करते हैं साइड पे, इसे कहते हैं जी राइनश लाइफ जर्मन में, और उर्दू में या इंग्लिश में यू कह लें या हॉर्स यू कुछ इस तरह की चीज़ है, मुझे एग्जैक्ट लफ्ज नहीं पता है कि क्या कहते हैं, और इसके लिए मैं इतनी ख्वारी करके यहाँ पे आया हूँ। काफ़ी अच्छी खूबसूरत जगह है, ये वही दरिया है रिवर राइन जिसको मैंने लास्ट व्लॉग में राइन वैली में दिखाया था, और जो कासल है वो इधर दूर करके नज़र आ रहा होगा जहाँ पे मैं गया था लास्ट टाइम, लेकिन इस स्पॉट में मैं तब नहीं आया, तो इसलिए मैंने इस स्पॉट को कवर किया और इसके बाद फिर मैंने आगे अगली जगह जाना है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी थोड़ी सी ख्वारी होगी, स्पेशली जो लास्ट 15 किलोमीटर का सफ़र है ना, कि रोड काफ़ी छोटी है और चढ़ाई है इस पर, तो इसलिए थोड़ा सा मसला हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुँच गया। यहाँ पे अभी लाइट काफ़ी ज़्यादा थी जिसकी वजह से मेरा नहीं ख्याल कि ड्रोन की जो क्वालिटी आई होगी वो आई होगी जो नॉर्मली आती है। मुझे पसंद है शाम के टाइम जब लाइट ऑफ सी हो जाए, और अभी इतनी सख्त सी लाइट है कि कुछ जगहों पे ये दरख्तों का छांव वगैरह है और कुछ जगहों पे इतनी सख्त लाइट है तो कैमरे को समझ नहीं लगती, तो कंट्रास्ट वो सही तरह पकड़ता नहीं है, तो इसमें कोई मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर सुबह सुबह के टाइम और शाम के टाइम लियो या फिर कुछ क्लाउड्स वगैरह हो ना तो फिर बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। होपफुली जब घर जा के देखूँगा कि कैसी क्वालिटी आई है उसमें कैमरे में, तो एडिट करते हुए फिर पता चलेगा। तो अभी हम अपना ध्यान जो है वो सारा का सारा रोड पे रखेंगे। मैं सोच रहा हूँ इधर खड़ा करके देख लूँ कि मैंने किस तरफ जाना है, इससे पहले कि मैं गलत रोड लूँ और फिर से मैं घूमता फिरता रहूँ। कोई नहीं आ रहा था, निकलते हैं हम फिर से। ये पहले वाला जो स्टेप पार्ट है ना, ये वही छोटी रोड्स वाले ही है, 10 किलोमीटर है, लेकिन पिछली वाली रोड से ज़्यादा छोटा नहीं है। यहाँ पर एटलीस्ट चलो ये है कि 50 की स्पीड तो है ना। दरख्तों से निकलो तो धूप ऐसे पड़ती है ना आगे से, अंधा करके रख देती है, नज़र कुछ नहीं आ रहा क्योंकि सन जो है वो काफ़ी अभी लो है और सीधा आंखों में आके पड़ रहा है। बहुत गर्मी है यार, वाइजर खोलना पड़ गया। राइन वैली को छोड़ा है मैं पीछे और अभी आ गया हूँ ये नीचे जो देख रहे हैं, ये है मोजल वैली, क्योंकि यहाँ से दरिया गुजर रहा है मोजल, जो कि फ्रांस से निकलता है लुक्सेमबर्ग से होता हुआ जर्मनी में और फिर जाके राइन में लगता है, जो रिवर राइन है उसके अंदर लग जाता है, थोड़ा सा आगे यहाँ से 20-30 किलोमीटर के फासले पर। तो अभी मैंने जो आगे सारी ट्रेवल करनी है वो इसी के साथ करनी है, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली है और अभी हम जो दोबारा कंटिन्यू करते हैं अपनी राइड। सो ये है जी दरियाए मोजल, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट पे जो है ये सारे जो है थिक फॉरेस्ट है और साथ में वाइन की फील्ड्स हैं,
तो स्पेशली वाइन की वजह से ये वाइट वाइन का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कारोबार है, और उसके अलावा टूरिज्म, क्योंकि यहाँ के जो गांव हैं वो खूबसूरत हैं और साथ में कैसल्स वगैरह काफ़ी हैं। तो ये जर्मनी के टॉप 5 या टॉप 7 प्लेसेस में से ज़रूर है मेरे ख्याल में। Search for freedom, my peaceful gaze. Finally, एक स्ट्रेच आया जिसमें धूप नहीं पड़ रही। धूप ने तो आज पागल कर दिया है। और ये ब्रिज भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है यार, यहाँ पे छोटे छोटे से ब्रिज हैं कनेक्टिंग। और अभी देखते हैं कि हमने किधर जाना है। मैं सोच रहा हूँ कि आगे इसी साइड पे चलता जाऊँ। दोनों साइडों पे रोड बनी हुई है जिधर से आपने दिल करे चले जाएं। और ये कोखम की तरफ इधर से भी जा रही है, चले कोखम की तरफ चलते हैं, दूसरी साइड पे चलते हैं यार। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जी दरिया, देख लें इनके दरियाओं में पानी है, हमारे दरिया जो बेचारे हैं वो खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे अब 50 की स्पीड आ गई है और मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ पे कैमरे ज़रूर लगे होंगे, इसलिए बंदों के पुत्रों की तरह चलाना है। अभी चलते हैं सीधा गांव की तरफ, ब्रिज पे भी जाना है लेकिन ब्रिज पे बाद में जाएंगे। अभी थोड़ा सा सूरज और नीचे हो जाए तो उसके बाद दूसरी साइड पे जाके वहाँ से ड्रोन श्रोन उड़ाऊँगा। तो ये है जी गांव, और अभी जाके देखते हैं कि गांव खुला है कि नहीं खुला। चलें एक राउंड जो है ना पहले पैसे लगा लेते हैं गांव का। ऑलमोस्ट गांव जो है ना हमने क्रॉस कर लिया है। अभी इस पार्किंग से जो है मैं वापस कर लेता हूँ अपनी बाइक वापस करते हैं। इधर से आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कहीं जाके पार्क कर दें, यहाँ पे इंटर होते हैं। तो यहाँ पे खड़ी करते हैं और एक चक्कर जो है हम लगा के आते हैं गांव का। तो हम करते हैं ऐसे, सो ये है जी कोखम, और ये जो पीछे इसका कैसल आप देख रहे हैं इसे कहते हैं राइशबुर्ग कैसल ऑफ कोखम, आई थिंक
ऐसे ही नाम है कुछ इसका। इसकी हिस्ट्री जो है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है इस एरिए की, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि बहुत लेंथी है, लेकिन सिर्फ मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मोस्टली जो कैसल्स इस एरिए में हैं वो प्राइवेटली ओन्ड फैमिलीज़ के हैं, लेकिन ये जो कैसल है ये गाँव के जो लोग हैं ये उनकी मलकियत है जो इनका सिटीजन्स हैं। आजकल कैसल जो है वो बंद है, मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक से ओपन होगा, तो इंशाल्लाह फिर अगर मैं ऑटम में कभी आया तो ज़रूर आपको इसकी हिस्ट्री बताऊँगा। अगर आपको पसंद है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर देखूँगा। और अभी अफ्तारी करता हूँ और वापस मैंने जाना है, तकरीबन मुझे 1.5 घंटा लगेगा क्योंकि मैं हाईवे लूँगा, कैमरे वगैरह जो है वो बंद करके सुकून से ड्राइव करूँगा क्योंकि नाइट की ड्राइव है, इसलिए कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो व्लॉग मैं इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ, और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और या अगर कुछ ऐसी सजेशन हैं या कुछ भी है आप लोगों को पसंद आई कोई अच्छी चीज़ तो कमेंट कर दीजिएगा, और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।